ये बफ लैंड है, ये लैंड गिरा पर बहुत है इधर, वो लैंड गिरा पर अंदर डालना, कोई रिकमेंड नहीं यहाँ पर, बस किसी से मुरावत नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पर काम जो है फेंसिंग का, फिलो बहुत कलिया गाट के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबा शरफद्दीन पहाड़ी दरगाह के तहत ये जगह 16 एकड़ है। ये जो लैंड अभी हम यहाँ पर फाउंडेशन रखे, हमारे शाही मस्जिद के जो पब्लिक गार्डन के इमाम साहब और हमारे मुफ्ती साहब हसन फारूकी साहब, हम लोग और हमारे सीईओ साहब और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और हमारे पूरे इंस्पेक्टर सर्वेयर सब लोग मिल के हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन रखे, क्योंकि ग्रेवयार्ड्स को प्रॉब्लम हो रहा बोल के बहुत लोगों का कंप्लेंट रहने से बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए हम लोग। बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके लैंड अलाट करे ग्रेवयार्ड के लिए और यहाँ पर फ्री तदफीन रहेंगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी ला के दफना सकते हैं। यहाँ पर कोई एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, 10 एकड़ दिए और भी जहाँ जहाँ एरियो में है वहाँ पर हम लोग पहले कब्रस्तानों के लिए ये काम करेंगे और किसी को तकलीफ़ नहीं होना है। आवाम को ज़मीन अल्लाह की रहती है और किसी की नहीं रहती, क्योंकि वफ़ बोले तो अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो लिहाजा जो है ना पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेवयार्ड्स के लिए, कब्रस्तान के लिए है। लोग आज परेशान घरे का भटकते फिरते, क्योंकि जिसके घर में मैयत रहती उसके हाल से पूछो उन्हें कितना परेशान रहता, मगर लोग जो है ना 50,000 दो, 1,00,000 रुपये दो, 25,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, ये सब गलत है। मैं इससे पहले भी बोला था फ्री तदफीन होना है हर जगह, उसलिए हमारे पास भी जो जो लैंड है जहाँ जहाँ है हम लोग, ये तो एक पहला कारनामा है हमारा अल्लाह के करम से। इंडिया में वक्फ बोर्ड में कोई भी ऐसा इमीडिएट 10 एकड़ लैंड निकाल के कोई भी नहीं करे, जहाँ भी लैंड रहती वहाँ पर लैंड गिराबर जो है ना बस जाते हैं वहाँ पर। हम कोई लैंड गिराबर नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों के सबके बोर्ड के ताउन से, पूरी गवर्नमेंट के ताउन से, केसीआर साहब भी इसमें सीरियस है, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट है और केसीआर साहब की हेल्प से जो है ना हम लोग ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। और केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग जो है ना गवर्नमेंट की सपोर्ट से भी जो है जहाँ जहाँ हमारी लैंड है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और जहाँ एक्सेस लैंड है उसको हम ग्रेवयार्ड्स को भी जो है ना हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जहाँ जहाँ भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोग, अब यहाँ की ज़मीन का हमको इन्फॉर्मेशन थी तो वो हिसाब से हम लोग आज हमारे जवाद मुल साहब जो इमाम साहब है मक्का हमारे शाही मस्जिद के, उन्होंने और हसन फारूकी साहब जो मुफ्ती साहब हैं, ये लोग सब मिलके हम लोग सीईओ पूरे ऑफिशियल पूरे बोर्ड के सब लोग मिलकर हम लोग आज यहाँ पर शुरुआत करें। आज से आप लोग दफनाना चाहते तो दफनाइए, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदार इंस्पेक्टर रहते हैं हमारे कयूम खान बोल के, और दो जनों को जो है ना यहाँ पर निगरान कार्य को भी रखेंगे हम, और इसकी कमेटी बाद में बनाएंगे हम। फिलहाल तो जो है ना यहाँ पर साफ़ सफाई का काम भी शुरू करा के हम लोग तदफीन आज से अभी से कर सकते हैं, जिसको भी आकर यहाँ पर करना है कोई रोक टोक नहीं है और फ्री तदफीन है। खाली खोदने वालों का जो भी होता हुआ आप लोग देख लेना है, मगर जगह हमारे तरफ से फ्री रहेंगी इंशाल्लाह। ये जमीन देख सकते हैं, ये वफ़ की लैंड है। बासर लोग रहो या प्राइम मिनिस्टर गन से भी आओ रिकमेंड लगा के तो नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि वफ़ लैंड रहती, वफ़ लैंड अल्लाह की अमानत है, इसमें कोई खयानत नहीं कर सकते इसको। यहाँ पर ग्रेवयार्ड के लिए हम लोग आज फाउंडेशन रख दिए, इंशाल्लाह ताला अभी से आप लोग दफना सकते हैं। कोई भी लैंड गिराबर रहो, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी रहो, उसको जो है ना हम सबक सिखाएंगे यहाँ पर। कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहो, कोई भी इन्फ्लुएंस रहो या नहीं चलेंगे यहाँ पर, उसके ऊपर हम पूरी सीरियस कार्रवाई करेंगे। पूरा बोर्ड हमारा सीरियस है इसके ऊपर, क्योंकि वफ़ का मतलब पहले समझो आप, उसके बाद में जो है ना ये सब बात कर सकते हैं सब लोग। और पुलिस को भी हम इंफॉर्मेशन दे दिए यहाँ पर, पुलिस का भी कॉपरेशन रहेगा, गवर्नमेंट का भी कॉपरेशन रहेगा हमारे को। अब इसके बीच में जो भी लैंड गिराबर आया उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करके जेल को ही भेजेंगे, दूसरा काम ही नहीं होगा। लैंड गिराबर आ नहीं सकता, आया तो उसका फिर अगला पिछला पूरा निकाल के हम उसको हमेशा के लिए उम्र कैद का सजा दिलाने का भी काम करेंगे हम उसमें, वफ़ बोर्ड से पैसा खर्चा करके, क्योंकि आज दफनाने के लिए जो है ना आज पब्लिक परेशान फिर रही, भटकते हुए फिर रहे लोग, मैयत ले लेके फिरते रहेंगे क्या लोग। गुजारिश है कि आप लोग भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कोई डरने की, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और जहाँ जहाँ भी ग्रेवयार्ड है वहाँ पर दफनाइए आप, वहाँ जगह नहीं मिली तो यहाँ पर भी आके दफना सकते हैं, और भी जहाँ जहाँ दफनाना है दफनाइए आप। कुछ कोई नहीं कर रहे तो हमारा हेल्प डेस्क है, वहाँ पर भी कंप्लेंट करिए, हमारी पूरी टीम आके ठहर के दफनाने लगाएंगे इंशाल्लाह। और किसी का कफन दफन के पैसे भी नहीं है, जो गरीब है एकदम मंगने वाले या रिक्शा जो भी है, तो 5,000 रुपये वक्फ बोर्ड से इमीडिएट आदमी लेके पहुंच जाएगा। आप लोग फ़ोन करके आप ये करिए सिस्टमैटिक लाइन से।